नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। राजधानी लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में किराए के मकान में दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहने वाली एक महिला को फेसबुक पर दोस्ती करना इतना भारी पड़ा कि एक लव जिहादी के चंगुल में फंस गई। दरअसल लगभग 4 वर्ष पूर्व लगभग 30 वर्षीय महिला के पति की मौत हो जाने के बाद महिला ने पति की फोटो फेसबुक पर शेयर की थी, जिस पर मुरादाबाद जनपद निवासी जैनुल आबेदीन नाम के एक दरिंदे युवक की नजर पड़ गई और वो अपना नाम सौरभ सोनी बताते हुए महिला के जज्बातों के साथ खेलने लगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। महिला को अपने चंगुल में फंसाने के बाद लव जिहादी युवक महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में पति की तरह रहने लगा और लगभग 4 वर्ष से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। उसने महिला को बताया था कि वो राजस्थान के एक वर्कशॉप में मोटर मैकेनिक के रूप में काम करता है। वो अक्सर राजस्थान आया जाया करता था और महिला सहित उसके दोनों बच्चों का पूरा ख्याल रखता था। महिला जब भी उसे शादी की बात करती थी तो किसी न किसी बहाने बात टाल देता था। एक दिन महिला को उसका आधार एवं पैन कार्ड हाथ लग गया तो पता चला कि जिस युवक को सौरभ सोनी समझती थी वो जैनुल आबेदीन यानी मुसलमान निकला। अब युवक की पोल खुल गई तो उसने महिला पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। उस दौरान उसने जबरदस्ती महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसकी 6 वर्षीय बेटी के साथ भी छेड़छाड़ कर गंदी हरकत करने की कोशिश की। महिला के विरोध करने पर वो भाग गया। इतना बड़ा धोखा खाने के बाद महिला टूट चुकी थी और उसने आत्महत्या का मन बना लिया। ये बात उसने अपने पड़ोस में रहने वाली महिला लता पांडे से बताई, जिसके बाद लता पांडे ने उसे हिम्मत देते हुए उसे पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग संगीता तिवारी से मिलवाया। संगीता तिवारी ने पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा दिया, जिसके बाद पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग संगीता तिवारी ने अपने अधिवक्ता संदीप कुमार द्विवेदी के सहयोग से आशियाना कोतवाली में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया। इस मामले में आशियाना थाना प्रभारी निरीक्षक छत्रपाल सिंह के अथक प्रयासों के बाद पुलिस टीम ने विगत 9 सितंबर को अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए विधिक कार्यवाही के तहत जेल भेज दिया है। आइए दिखाते हैं पीड़िता की कहानी उसी की जुबानी। राजधानी लखनऊ में लव जिहाद की ओर जाता हुआ एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पीड़िता को आशियाना कोतवाली पुलिस ने बचा लिया है लव जिहाद के गर्त में जाने से। और इसमें सबसे बड़ा आयोग पूर्व राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी जी का हाथ रहा, जिनके सहयोग से पीड़िता आज सुरक्षित है और अभियुक्त सलाखों के पीछे है। इसी क्रम में हम आज पीड़िता से बात करेंगे कि इनके साथ क्या हुआ, किस तरह से घटना हुई और किस तरह से धर्मांतरण का एक खेल खेला गया और जिसके बाद मामला लव जिहाद की ओर जा रहा था और ये कैसे बची। जी कैसे, क्या पूरा मामला था? मामला ये है कि मतलब मेरे हस्बैंड 4 साल पहले एक्सपायर हो चुके थे, तो मतलब वही 15-20 दिन हुआ था तो एक्सपायर हुए मेरे हस्बैंड को जी। तो फेसबुक हम चलाते थे तो मेरे भाई ने जो फेसबुक बना रखी थी तो भाई ने उसमें नंबर भी डाल रखा था। तो मेरे हस्बैंड जब ख़त्म हो गए तो 15-20 दिन बाद मैंने उनका स्टेटस लगाना मतलब लगाते थे, मतलब ऐसे पीड़ित थे तो लगाते फेसबुक पे, हाँ लगाते रहते थे। तो उसने जो है नंबर निकाल के मुझे कॉल किया, बोला कि आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्या हुआ? तो हमने कहा आप कौन हो, कहाँ से बोलो? तो कह रहा हम जो है मुरादाबाद के रहने वाले हैं और मेरा नाम सौरभ सोनी है और हम राजस्थान में मैकेनिक के काम करते हैं और आपको देखा फेसबुक पे काफ़ी पीड़ित हो परेशान हो तो इसलिए हम सोचा फ़ोन करके पूछे। मतलब फेसबुक से दोस्ती हुई? हाँ, और फिर वो भावनात्मक आपसे जो है खेलने लगा। तो उसने बोला कि आप कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए और जो है बहुत ज्यादा परेशान लग रही है, टेंशन मत लीजिए, हम लोग तो हैं साथ में, हम भी हैं और बहुत परेशान देंगे तो हमने आपको कॉल किया। तो हमने कहा अभी तो हम बात नहीं कर सकते, आपसे फोन रख दीजिए। तो मैंने फोन काट दिया। अगले दिन फिर फोन किया, फिर बोला कि कोई बात नहीं, हम हैं आपके लिए, आप जो बोलोगे हम करने के लिए तैयार हैं, हम आपको बच्चों को बहुत मानते हैं, आपको बच्चों को देखा है बहुत ज्यादा क्यूट हैं, अच्छे हैं। तो बच्चों की फोटो आप पोस्ट की थी? हाँ बच्चों को भी किए थे मेरे अपने मेरा उस समय मेरा बेटा 1 साल का था और मेरी बेटी 6 साल की थी, दोनों बच्चों। तो इसने बस धीरे धीरे करके ऐसे अपनापन दिखाया और बात करना स्टार्ट कर दिया। बात करते करते 2 महीने निकल गए,
फिर ये बोला एक दिन कि हम घर आए हुए हैं तो हमें आपसे मिलना है, तो बच्चों से मिल लेते हैं, आपसे मिल लेते हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है आ जाइए। तो यहाँ मुझसे मिलने आया और मिलने के बाद मार बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार वार करने लगा, बच्चों को घुमाना फिराना अच्छे से, और घर में राशन वगैरह सारी चीज़ें दिलवाया, एक आध दिन रुका चला गया। हाँ गिफ्ट वगैरह चॉकलेट नमकीन हर चीज़ उसने दिलवाए, घर में राशन वगैरह नहीं थे तो राशन वासन भी उसने दिलवाया अच्छे से किया। हाँ तो इतना ज़्यादा वो अपनापन दिखाया कि मुझे महसूस नहीं हो रहा था ऐसा कुछ कि ये कि मतलब फ्रॉड है या क्रिमिनल है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा था। तो ये फिर एक आध दिन रुके चला गया। फिर जाने के बाद बातचीत करना वैसे ही जारी रहा, बातचीत करना जारी रहा। फिर उसके बाद में वहाँ से सेक्टर आई से घर खाली करवा के इसने सेक्टर एच में दिलवा दिया। अच्छा, कमरा किराए पे दिलवाया। हाँ कमरा किराए पे दिलवाया। और वहाँ पे फिर मतलब ये 2-3 महीने बाद फिर आया कमरा दिलवाया, आके शिफ्ट उठ सब इसने ही कराया, बात वत करके आया शिफ्ट उठ इसने ही कराया। और अच्छा, महीना जब यहाँ आया था आपसे बोलचाल होने लगी, मिलना जुलना चालू हो गया, तो कहाँ का अपना एड्रेस बताया था पहले? मैंने नहीं, उस व्यक्ति ने अपना नाम क्या बताया था उसने? सौरभ सोनी। कहाँ का निवासी बताया था? ये मुरादाबाद। मुरादाबाद हाँ सही बताया। हाँ मुरादाबाद का बताया था और ये बोला था राजस्थान में हम मकान की काम करते हैं। अच्छा, पर उसने मुस्लिम था वो नहीं बताया कि मुसलमान है, उसने नाम बदल के मिला, क्योंकि मेरा भी जो है फेसबुक पे हस्बैंड के ही नाम से मतलब वो रमेश अग्रवाल। वहाँ शुरू करिए, जब बच्चों को चॉकलेट देने लगा वहाँ से धीरे धीरे जो है अपनापन दिखाने लगा। हाँ, उसके बाद फिर आगे फिर कहाँ आगे क्या हुआ? आया मतलब रूम दिलाया, आया मतलब 2-4 दिन रहा अच्छे से, तो फिर रात में मुझसे बात किया, बात वात करके बच्चे उच्चे सो गए, बात किया तो बोला कि संबंध मतलब बनाना है आपसे। तो हमने कहा कि भाई ये हमारे ऐसा कुछ है नहीं, कहीं हम आपके बच्चों को बहुत अच्छे से रखेंगे, बच्चों का प्यार बाप का प्यार देंगे, बच्चों को अपनाएंगे और आपसे शादी करना चाहते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। शादी का झांसा दिया। हाँ शादी का झांसा दिया। तो एकदम से क्या किया उसने, सिंदूर लगा दिया मुझे और बिछे उछे पहना दिया पैर में, और उसने फिर मुझसे संबंध बनाई। फिर बोला मुझे कि बहुत जल्दी जो है हम अपने घर में बात करेंगे और बात करके जल्दी हम लोग कोर्ट मैरिज से शादी कर लेंगे, उसके पहले मतलब जो भी दिक्कत है कोई दिक्कत तुम्हें आने नहीं देंगे, घर का राशन बच्चों को पढ़ाई लिखाई का खर्चा और किराया सब कुछ वही देता था। बेटी सिर्फ जा रही थी। हाँ बेटी जा रही थी, बेटी पढ़ रही थी। तो फिर एक बार मतलब ये आया, फिर वहाँ से भी ये घर खाली करा के तो थोड़े बगल में ही दिलवाया, मतलब पहले मतलब दूसरी जगह शिफ्ट किया मकान, उसके बाद फिर तीसरी जगह भी शिफ्ट किया। तीसरी जगह हाँ इसने शिफ्ट करवाई। तो वहाँ बोला कि ये मेरे जानने वाले हैं, यहाँ पे रहो, यहाँ पे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, एक मेरे परिवार के तरह हैं और तुम यहाँ पे आराम से रह सकती हो, मेरे ना रहने पे बच्चों का देखभाल अच्छे से करेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा शादी करो, बहुत टाइम हो गया। तो बोले बस दीदी और भैया को मना लिया, बस मम्मी पापा को मनाना, जल्दी कर लेंगे। बस एक दिन ये रात में सो रहा था, मेरे पास आया, जब सो रहा था बात उत करके सो गया, मोबाइल चला रहा था, बस मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं बिल्कुल भी, मैं हिंदी भी नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं खाली अपना शाइन ही कर पाती हूँ, इसके अलावा मतलब मुझे कुछ नहीं पढ़ पाती हूँ। तो ये सो रहा था, तो बस उसके बाद में मैंने उसका फ़ोन उठाया, जिसपे पैन कार्ड पे आधार कार्ड पे इसकी फ़ोटो पड़ी हुई थी। तो फोटो देख के ही मैंने इसका जो है अपने फ़ोन में व्हाट्सअप कर लिया, और वो मैंने अपनी फ्रेंड को सेंड कर दिया कि मेरा मोबाइल मतलब जो है हाँ हाँ डिटेल जो है क्या लिखा है पता करवाते। तो ये चला गया, क्योंकि मुझे हर बार ये बोलता था आके कि शादी जल्दी कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे, अभी टाइम लगेगा घर वालों को मनाने में। अरे झांसा दिया है, कम से कम 3.5-4 साल झांसा दिया। तो फिर व्हाट्सएप पे जो आपने उसका पैन कार्ड और जो है आधार वगैरह भेजा अपने फ्रेंड को, तो क्या बताया फ्रेंड ने? तब ये चला गया, फिर से राजस्थान चला गया। मैडम जब आपको पता चला कि अगला व्यक्ति मुस्लिम है, और फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही, कैसा लगा आपको? जब मुझे पता चला कि वो मुसलमान है तो मेरे तो पैर एक तरह से जमीन निकल गई, मैं घबराने लगी, परेशान हो गई, मैं तुरंत वहाँ से भागते हुए घर आई। फिर मैं जो आके इसको फ़ोन करी, मैंने कहा तुम मुसलमान हो, मुझे बताने के ना ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान नहीं है, मैं मुसलमान था नहीं, मैंने मुसलमान धर्म अपनाया है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, मैं तो मुसलमान नहीं बन सकती हूँ। कहीं नहीं, मुसलमान बनोगी तो ही हम तुमसे शादी करेंगे,
और नहीं तो नहीं करेंगे। मैंने कहा मुझे नहीं अपना, कहीं मुसलमान धर्म बहुत बढ़िया होता है, अच्छा होता है और इसमें हम दोनों लोग बहुत अच्छे से खुश रहेंगे। हमने कहा मुझे नहीं करना है, तो कहीं ठीक है हम आके तुमसे बात करते हैं, ये बोला हम आके बात करते हैं। फिर आया इसने, उसी बात पे लड़ाई झगड़ा होने लगा, ये मुझे उस बार बार दबाव डालने लगा कि तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा तो हम शादी करेंगे, नहीं बनोगी तो हम नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे बोलने लगा। फिर हमको मारा पीटा, फिर मुँह दबोड़ के इसने मुझसे जबरदस्ती रिलेशन बनाया। फिर उसके बाद से ये लखनऊ आया था, आया अब लड़ाई झगड़ा हुई और वही दबाव डाल रहा था कि मतलब शादी करेंगे तो जो है मुसलमान बनना पड़ेगा। हमने कहा हम जो है नहीं बनेंगे। फिर इसकी शिकायत आपने पुलिस से की? हाँ, पुलिस से की मैंने शिकायत। मैंने जब यहाँ से मारपीट के मुझे चला गया, जबरदस्ती संबंध बनाया, तो मैंने जो है शिकायत करी। मैं एक, हाँ मैंने एक भाभी हैं, ललिता नाम है, जो गली में ही रहती हैं। अच्छा, पड़ोस में? हाँ, पड़ोस में रहती हैं। तो उनसे मैं भाभी से मिली, फिर भाभी से मिलके सारी बात मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हुआ है। तो उन्होंने जो है अपने महिला आयोग में जो है सदस्य रही हैं, संगीता तिवारी, तो मैंने भाभी से एक बार बता के फिर मैं घर आ गई। तो वो फिर मुझे फ़ोन करके ये धमकी देने लगा था कि हम तुम्हारी वीडियो बना दिए हैं, हम सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगी, तुम्हारे बच्चे भी बड़े होके देखेंगे और जो है कहीं नहीं दिखाने लायक रह जाओगी। तो मैंने क्या किया, मेरे मन में आया कि हम सुसाइड कर लें, कि मेरी तो इज्जत है, इसने कहीं छोड़ा नहीं है, सब जगह से टॉर्चर किया, मारा पीटा, अच्छे से मुँह दबा दबा के मारा और गला डबोट डबोट के मेरे बच्चों बेटी के सामने भी मारा। तो बहुत ज़्यादा मैं मतलब एकदम डरा के रखा था। शिकायत तो आपने अभी की थी, आपकी नाबालिग छोटी बच्ची के साथ भी उसने गलत हरकत की है। नाम नहीं ले सकती हूँ मीडिया में, क्योंकि है ना, उसने मेरी बेटी के साथ, जब मैं घर पे नहीं रहती थी, किचन में काम करती थी या मैं कहीं बाहर चली जाती थी, तो ये मेरे बेटी को जो उसका आशा था, बोलता था हम कपड़े दिला देंगे, साइकिल दिला देंगे, और मेरे गलत तरीके से मेरी बेटी को मतलब टच करता था। फिर मैडम जो पिछड़ा महिला आयोग की जो सदस्य, हाँ, तो फिर मैंने जब फांसी लगाने की मैंने कोशिश करी, मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं फांसी लगा लूँगी, मैं मर जाऊँगी, मेरी इज्जत इतने कहीं की छोड़ी नहीं है। तो फिर मतलब भाभी हमसे मिली तो बोली पूनम ऐसा जो भी ये चीज़ हमको बताओ, कुछ भी गलत मत करो, हम तुम्हारा मदद करेंगे। तो फिर हम भाभी से मिले, सारी मिल के उनको बात बताएं, फिर महिला आयोग में उनका संगीता तिवारी हैं जो महिला आयोग हैं वो, तो उनसे भाभी ने मिलवाया। फिर मैंने उनसे मिलके सारी घटना बताई कि मेरे साथ ऐसे उसने दुष्टकर्म किया है, मेरे बेटी के साथ करने की कोशिश करी है और वीडियो वीडियो के बारे में सब बनाया, वायरल करने की धमकी दिया। तो उन्होंने सारी बात मेरी सुनी और सुन के उन्होंने मेरा अच्छे से सब जाना, मदद किया मेरी, और जो है थाने में प्रार्थना पत्र जो है लिख के दिलवाया। और फिर उनके एक हैं जो वकील हैं, संदीप त्रिवेदी, हाँ संदीप त्रिवेदी, बात हुई वो संगीत संगीता मतलब जो मैडम है उन्हीं के ही वकील हैं वो। अच्छा। तो वो वकील भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, नेचर के भी बहुत अच्छे, उन्होंने हमारी बहुत मदद करी। वो हमको थाने में ले गए, प्रार्थना पत्र लिख के वहाँ पे दिया, मेरा पूरा सपोर्ट किया, अच्छे से मेरी पूरी मदद करी। तो मुझे लगा कि मैं सुसाइड नहीं करूँगी, मैं हिम्मत करके लड़ूंगी और अपने बेटी को अपना मैं इंसाफ जो है मुझे मिलेगा। हाँ, संदीप मिश्रा के माध्यम से और संगीता तिवारी के माध्यम से मुझे न्याय मिला है ये, और उसकी अब वो सोमवार को उसकी गिरफ्तारी हुई है, अब वो जेल के अंदर है। लेकिन ये भी है कि मेरे बेटी को मुझे भी जान के खतरा है, कभी भी बाहर आएगा तो मुझे मार सकता है, मेरी बेटी को भी मार सकता है, क्योंकि ये मकान मालिक ने भी धमकी दे दिया है और जैनुल ने भी धमकी दिया है और उसके बाप ने भी बोला है। तो ये पीड़िता है और किस तरह किन किन परिस्थितियों का सामना करते हुए इन्होंने यहाँ तक कि आत्महत्या का भी प्रयास किया, आत्महत्या का मन बनाया, किंतु इनके पड़ोस में रहने वाली महिला ललिता जी ने इनकी मदद की, इनको हिम्मत दिया और राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी से इनसे मिलवाया। इन्होंने अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा उनको बताई, अपना दर्द बयां किया। इसके बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता संदीप द्विवेदी से संपर्क कर इन
महिला को न्याय, इनका नाम नहीं ले सकता हूँ, ये पीड़िता है, पीड़िता को न्याय दिलवाया, आज अभियुक्त सलाखों के पीछे है। आप मैडम अब बताइए क्या करना चाहते हैं, आपके भविष्य क्या योजनाएं, बच्चों को लेकर आप क्या करना चाहते हैं? भैया मैं तो यही करना चाहती हूँ, पहले तो कि मैं उसको सजा दिलवाना चाहती हूँ कि जो उसने मेरे साथ दुष्ट कर्म किया, मेरी ज़िंदगी तो उसने ख़राब कर दी, ठीक है, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और आगे किसी के साथ ये, किसी हिंदू लड़की के साथ ये गलत करने के लिए कोई और भी व्यक्ति मुसलमान लड़का ना सोचे। बाकी इसको सज़ा दिलवाने के बाद मैं जो है पूरा मैं हाथ जोड़ के इतनी विनती करूँगी कि जो जो ये वीडियो देखे और पूरी मेरी मदद करे और इसको सज़ा दिलवाने में पूरा एकदम से मतलब मेरा सहयोग करे, इसको सजा दिलवाए। देखा जाए तो आपने बहुत कुछ खोया, आपकी दुनिया उजड़ गई, आपने पति खोया, उसके बाद एक उम्मीदें जगी थी, उस उम्मीदों को भी खोया आपने। इसने जो है मुझे इस तरह झांसा दिया कि मैं इसके ऊपर आँख बंद करके विश्वास करने लगी थी, इस तरह झांसा दिया, इस तरह अपनापन दिखाया, तो एक तो मेरी दुनिया तो उजड़ गई, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे बच्चों के अलावा मेरे पापा भी नहीं है और हम बहुत ही परेशान न होइए, पुलिस हर गुनाहगार को सजा देती है और आपके साथ ऐसे अच्छे अधिवक्ताओं और संगीता तिवारी जैसे एक समाज सेविका हों जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं आज की डेट में, तो नामुमकिन है कि अपराधी को सजा न मिले। हालाँकि पुलिस भी इसकी पैरवी करती है, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजती है और उन्हें सजा दिलवाने का काम करती है। आप पुलिस के बड़े अधिकारियों से, उच्चाधिकारियों से, मुख्यमंत्री जी से क्या निवेदन करना चाहती हैं, इसकी किस तरह से पैरवी करें और उसको सजा मिले? हम मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी, जिस तरीके से उसने दुष्ट कर्म मेरे साथ किया है, मेरे बेटी के साथ करने की कोशिश किया है, जान से मारने की धमकी दी है, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है उसने, कहीं लायक नहीं छोड़ा, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं, बस हम यही बस कहना चाहते हैं। अभी आपने पीड़िता की दास्तान सुनी जो हर किसी को झकझोर कर रख देने वाली है और इसी क्रम में वह महिला जिनके सहयोग से आज उसको न्याय मिला है, आरोपी सलाखों के पीछे है, वो महिला आपके साथ हैं, आपका नाम क्या है? ललिता, लता पांडे। लता पांडे, आप लता पांडे जी हैं और बता दूं कि ऐसे लता पांडे जैसी महिलाएं अगर महिलाओं की पीड़ाओं को समझें, महिलाओं के दर्द को समझें, महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय में उसका साथ दें, तो निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण का जो सरकार का सपना है वह सार्थक हो जाएगा। और इन्हीं मैडम के सहयोग से संगीता तिवारी जो कि राज्य महिला आयोग की सदस्य रही हैं, एक प्रसिद्ध समाज सेविका हैं और उन्होंने मदद के हाथ आगे बढ़ाए, अपने अधिवक्ता संदीप द्विवेदी जी के साथ मिलकर आज इस पीड़िता को न्याय मिला है, अभियुक्त सलाखों के पीछे है, उसकी कामना है, उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाते हुए आज कहा है कि उसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब देखने वाली बात है कोर्ट की पैरवी में पुलिस अपना पक्ष किस तरह रखती है, किस तरह उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाती है। फिलहाल हम ललिता पांडे जी से बात करेंगे, कैसे आपको पता चला कि इस युवती के साथ, महिला के साथ इस तरह की घटना हुई है? ये मेरे कॉलोनी में रहती है, एक दिन मिली रोते रोते और मरने जा रही थी, तो सब सारी बात बताई, तो मैंने कहा मरो रो मत, चलो एक संगीता तिवारी महिला आयोग में है, वो भी आजमगढ़ की, हम भी आजमगढ़ के। अच्छा, हैं, मतलब आपका मायका आजमगढ़ में है, तो वहीं से उनका परिचय था? परिचय था, कई लोग को लेके गए थे ना, उन लोग बहुत लोग को न्याय दिलाई है संगीता तिवारी, तो उन्हीं के पास लेके गए हैं, तो उन्हीं मिलके अपना न्याय इनको जो है कर किए हैं संदीप द्विवेदी के साथ। हम कहे चलो मरो मत, उनका वो जो है आपका करेंगी सब। अच्छा, एक बात सामने आती है, जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार की बात आती है तो सब लोग तमाशा देखने लगते हैं, लेकिन आपको डर नहीं लगा कि मैं आके सामने उसकी मदद करूंगी, आरोपी मुझको भी धमका सकते हैं, मार सकते हैं? हमको कोई डर और नहीं लगी, क्या डरे, औरत लोग के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या डरे हम। तो समाज के और महिलाओं को क्या अपील करना चाहती है, उनको क्या नसीहत देना चाहती है? सब लोग साथ दें, हर पीड़िता का साथ दें, हम तो जितने लोग मिलते हैं महिला आयोग की संगीता तिवारी जो सदस्य हैं उनके पास हम लेके जाते हैं, हम नहीं डरते हैं। निश्चित रूप से सरकार ने ऐसे ऐसे विभाग बना रखे हैं, ऐसी ऐसी योजनाएं बना रखी है जो हर पीड़ित महिला के लिए मददगार साबित होती है, किंतु जागरूकता के अभाव में पीड़ित पक्ष, पीड़ित महिलाएं
उस योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती हैं, किंतु लता पांडे जैसी महिला इस तरह समाज में काम करने लगे, निश्चित रूप से हर पीड़ित महिला को न्याय मिलेगा। इसी क्रम में संदीप द्विवेदी जी हैं जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और आपको बता दें कि ये सी न्यूज भारत के विद संवाददाता भी हैं, और इन्होंने एक समाज सेवा के रूप में अधिवक्ता का पेशा शुरू किया है और अब तक सैकड़ों लोगों को निःशुल्क न्याय भी दिलवाया है। इसी क्रम में संदीप जी क्या कहना चाहते हैं, इस पीड़िता को जिस तरह आपने न्याय दिलवाया कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, पहले तो पुलिस वाले इसको हल्के में लिए थे। जी बिल्कुल, इसमें संगीता तिवारी जी हैं, महिला आयोग में सदस्य, राज्य महिला आयोग में सदस्य हैं। 2018 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी एक पीड़िता के संदर्भ में ही, और जब मैंने देखा कि वो इतना मतलब कि निश्चल भाव से, मतलब कि जो भी महिला पीड़िता आती है उसका पूर्ण सहयोग और हर संभव मदद करने के लिए तत्पर रहती हैं, उन्हीं से उत्प्रेरित होकर मैंने भी उन्हें वचन दिया कि कभी भी अगर कोई मुकदमा होता है, वो अगर कोर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, हम उसको आजीवन निःशुल्क, अगर कोई गरीब महिला या पीड़िता होगी हम उसको निःशुल्क सेवा देंगे। उसी क्रम में आयोग से, हमारे पास महिला आयोग से संगीता तिवारी जी के थ्रू कई मुकदमे आए जिसको हमने निःशुल्क देखा और न्याय दिलाया हम लोगों ने। उसी में ही संगीता तिवारी जी द्वारा मुझे बताया गया कि एक पीड़िता है, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है और उसको न्याय दिलाना है और किसी भी प्रकार से उसको न्याय दिलाना है। फिर उन्होंने पीड़िता को मेरे पास भेजा, जिसके बाद हमने पूरी बात सुनी, प्रार्थना पत्र दिया गया पुलिस को, उसके बाद में जो भी कार्रवाई होती है उसको पुलिस ने भी बहुत अच्छा इसमें अपना रोल बिना किसी देरी के जो उचित कार्रवाई थी वो करते हुए मुकदमा पंजीकृत करने के बाद में गिरफ्तारी सुनिश्चित किया। कैसे आपको पता चला कि ये मामला धर्मांतरण की ओर जा रहा है, लव जिहाद की ओर जा रहा है, और क्या क्या चुनौतियां सामने आई? जब शुरुआत में आयोग से संगीता तिवारी जी ने जब इन्हें मेरे पास भेजा था तो शुरुआत में एप्लीकेशन दिया तो इनके एक जीजा थे जो उन्होंने भी इनके साथ धोखा किया, वो भी इनका मोबाइल जिसमें पूरे एविडेंस थे उसको लेके भाग गए थे, और ये काफ़ी पीड़िता के जी, और ये काफ़ी हताश हो गई थी, और इन्होंने एक समय ऐसा आया था कि इन्होंने मन बना लिया था आत्महत्या करने का, जिसको इसमें तो भी सुनने में आ रहा था कि जो आरोपी पक्ष हैं उन लोगों का पूरा एक संगठित गिरोह था। नहीं, इन लोग का जहाँ तक जानकारी आई है शायद राजस्थान में मेरे ख्याल से चोरी की गाड़ियों का ऐसा, मतलब मैं पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा पता चला कि ये लोग चोरी गाड़ी वाड़ी और इस तरह का कार्य करते थे, और एक और अन्य महिला भी थी जिसको भी इसने ऐसी तरह झांसा दे रखा था, जो मेरी जानकारी में है। इसके बाद सहयोग के कदम कहाँ तक पहुँचे आप लोगों के? इसके बाद में जब मुकदमा 9 अगस्त 2024 में प्रार्थना पत्र दिया था, मुकदमा पंजीकृत हुआ था, मुकदमा पंजीकृत होने के बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था कभी कभी ये टूट रही थी, और जिसमें काफ़ी ज़्यादा टूट और हताश भी हुई बीच में जैसे जैसे समय बीत रहा था, जिसके बाद मैंने संगीता तिवारी जी से निवेदन भी किया कि एक महिला होने के कारण आप थोड़ा सा इनको बातचीत करके किसी भी तरह इनको मोटिवेट करिए, कहीं ये कोई गलत कदम ना उठा लें, बाकी हम लोग जो अपने तरह से सहयोग है वो पूरा कर ही रहे हैं। जिसके बाद वहाँ से उन्होंने भी इनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया और हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया, जिसके बाद में 9 सितंबर को पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित किया गया। पहले जो प्रार्थना पत्र दिया था उसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद पीड़िता के 164 के बयान के बाद में 3/5 उत्तर प्रदेश विधि धर्म संपरिवर्तन निषेध अधिनियम के तहत ये धारा और उसमें बढ़ोतरी की गई। संदीप जी, इस पूरे प्रकरण में पुलिस का क्या रोल रहा, क्या रवैया रहा? मैं समझता हूँ कि आशाना थाना प्रभारी जो हैं छत्रपाल सिंह जी, उनका बहुत अच्छा योगदान इसमें रहा कि एक जरूरी प्रक्रिया होती है कि पुलिस में प्रार्थना पत्र देने के बाद वो कार्रवाई किस तेजी से हो रही है, और इस तरह के प्रकरणों में अक्सर पीड़िता जो है वो समय के साथ साथ टूटना शुरू हो जाती है और कभी कभी हताश भी हो जाती है, लेकिन समय समय पर जो प्रभारी नक्षत्र छत्रपाल जी हैं उन्होंने उसको समझाया भी और विश्वास दिलाया कि हम न्याय दिलाने के लिए हर अंतिम जो प्रयास होगा हम उसको करेंगे, और समय की देरी ना करते हुए उन्हें जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करते हुए 30 दिनों के भीतर जो पीड़िता के अपोजिट में था उसको गिरफ्तारी सुनिश्चित किया। फिलहाल पुलिस तो अपना पक्ष रखेगी ही न्यायालय में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए और आरोपी को सजा दिलाने के लिए। अब आप लोग एक समाज सेवक के रूप में, एक अधिवक्ता के रूप में जिस तरह से अपने कदम मदद के हाथ आगे बढ़ाए हुए हैं, सजा, अभियुक्त को सजा दिलाने की ओर क्या सहयोग करेंगे?
अब इसमें सरकार की तरफ से सरकारी अधिवक्ता पैरवी करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम लोग भी अपने तरफ से उसमें जो जैसे पहले बेल है हम उसको प्रोटेस्ट करेंगे, और जो भी हमारे तरफ से जो भी मदद की जा सकती है हम आखिरी तक लड़ेंगे साथ में। कई वकीलों का भी फ़ोन पीड़िता के पास भी आया, हमारे पास भी आया, जिसमें उन्होंने बोला कि हम सहयोग करना चाहते हैं और हम भी कदम से कदम मिला के न्याय दिलाने में पूरी तरह से सहयोग करेंगे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। संदीप जी, एक व्यक्तिगत सवाल है जी, समाज सेवा की तरफ आपने रुख किया है, यह रुचि कब से आपके भीतर आई? मैं वकालत के व्यवसाय से पहले मैं MBA किया था और मैं एक प्राइवेट नेशनल इंटरनेशनल कंपनी में मैं नौकरी करता था। फिर बाद में कुछ चीज़ों को देख के मेरा झुकाव काफ़ी ज़्यादा सामाजिक कार्यों की तरफ हुआ और मैंने उसको क्विट करके फिर मैंने वकालत किया। और समय समय पे जैसे कि महिला आयोग में संगीता तिवारी जी हैं, ये इन्होंने जब आवाज़ उठाई तो एक प्रकरण के दौरान 2018 में मेरी मुलाकात हुई और केवल इनके मार्फत आए कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों को मैंने निशुल्क न्याय दिलाया है और हर प्रयास किया है। जब समाज में कोई ऐसा दिखता है कि जो प्रयास कर रहा है तो हम लोग को भी मदद करना अच्छा लगता है। शायद ईश्वर ने मुझे ये विधि व्यवसाय इसीलिए इस लाइन में मैं आया ताकि मैं समाज में अगर जो पीछे है, जो गरीब है, मजबूर है, उनके लिए मैं आवाज़ उठा सकूं और लड़ सकूं। आप हैं वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप द्विवेदी जी, और समाज सेवा के तहत जिस तरह इन्होंने पीड़िता को न्याय दिलाया है, आरोपी को कटघरे के पीछे भेजा है, निश्चित रूप से इस तरह से अधिवक्ता लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करें। और देखें तो राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य संगीता तिवारी ने भी इसमें जो सहयोग किया है वह भी सराहनीय है, और सबसे बड़ा सराहनीय कार्य पुलिस ने किया है, पुलिस ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा है। आसियाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक छतपाल सिंह ने जिस तरह अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए निर्वहन किया है, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। इसी तरह सबको ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित रूप से इस तरह से सभी लोग समझें तो कोई भी पीड़ित नहीं रहेगा, उसको न्याय मिलेगा और निश्चित रूप से अपराधी सलाखों के पीछे होंगे, उनको सजा मिलेगी। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। इस खबर को दिखाने का मकसद महिलाओं एवं युवतियों को सतर्क करना है। ध्यान रखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्त बनाना, निजी जिंदगी की बातें शेयर करना खतरनाक साबित हो सकती है। इस महिला के मामले में समाज सेविका एवं राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य संगीता तिवारी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप कुमार द्विवेदी ने जिस तरह आत्महत्या का मन बना चुकी पीड़िता को कानूनी मदद पहुंचाने का कार्य किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम होगी। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।